अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जो लोग मेरी यूट्यूब फैमिली में नहीं हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भैया आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली बन जाएं। चलें जी, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फौरन से पहले भाई वीडियो देख लिया करें अपना कीमती टाइम में से। जब तुम अपने कीमती टाइम में मेरे से थोड़ा टाइम काट लिया करो। तो चले जी, वीडियो को लाइक भी कर लें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी शेयर करें। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने वोटिंग करवाई थी कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स चाहिए, तो भाई मिक्स एंड मैच था सब कुछ। किसी ने कहा कि डेली व्लॉग चाहिए, किसी को चाहिए थी गॉसिप्स और किसी को चाहिए थी रेसिपीज। तो इंशाल्लाह ताला फिर हमारे व्लॉग्स चलेंगे मिक्स एंड मैच, मतलब डेली रूटीन भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, कभी कभार रेसिपी भी शेयर कर दिया करूंगी और गॉसिप्स तो भाई साथ साथ चलती रहेंगी। जारी बात है, गपशप तो डेली करनी होती है, गाली चो कोई गाल निकली तो फिर कर लिया करांगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ये लेट नाइट केविंग हो रही थी, मतलब भूख लग गई सी बच्चा नो, तो फिर फ्राई ट्राई दिया जैसी फ्राइज मंगाए सा। आपको पता है फ्राई फ्राई बाद में आया है और ये फ्राई ट्राई काफी पुराना है, तो इनके फ्राइज भी मजे के हैं। बस यहाँ हम लोग ये खा रहे थे, एक सिंपल फ्राइज मंगा लेते होते हैं हम लोग और साथ में एक मसाला फ्राइज मंगा लेते हैं। सिंपल फ्राइज आयशा के लिए होते हैं और मुझे पसंद होते हैं, मुझे ये मसाला फ्राइज पसंद नहीं होते हैं। आज के व्लॉग में सुबह से दोपहर तक की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, रात से दोपहर तक ना। ये देखें अभी फ्राइज खा के हम लोगों ने सो जाना था और फिर मॉर्निंग टाइम दोपहर तक क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। और आज मजे की बात, स्त्री की स्टोरी भी जो रह गई थी ना उस दिन वो भी बताऊंगी। और ये व्यू बच्चों ने कैप्चर किया हुआ था, मैं खुद नहीं गई थी छत पे। ये हमारी छत से सारा व्यू है, माशाल्लाह बहुत ऊंची छत है, ट्रिपल स्टोरी हमारा घर है, तो बस सारा शहर नजर आता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने कहा चले इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है, तुम भी रिफ्रेश हो जाओ। रिफ्रेश होने तो बाद मैंगोज देख के हर कोई रिफ्रेश हो जाता है भाई। बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैंगोज पसंद नहीं होते हैं, मैं कहती हूँ बहुत बज़ोक लोग हैं जिन्हें मैंगोज पसंद नहीं है। देखिए अब मेरे से भी मैंगोज नहीं खाए जाते, मिल्कशेक उस तरह नहीं पिया जाता जिस तरह मैं पीती होती थी, दिन में 2-3 दफा पी लेती थी। मतलब सबके लिए अगर अलग अलग से बनना थे भाई, मैं थोड़ा थोड़ा पी लेती सब। मुझे मिल्कशेक, मैंगो मिल्कशेक बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अब तो बस एक दफा पी लूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है, लेकिन भाई पी लेती हूँ, कम क्वांटिटी में पी लेती हूँ। तो बस भाई एक एज होती है, 30 साल से पहले पहले जो कुछ तुम खाना पीना है ना वो खा लो। आई थिंक 30 साल से ज़्यादा जब बंदा होता है ना वो उस तरह से अपने शौक से नहीं खा पी सकता है। कैसी बात है ना, मैं इतने शौक से मिल्क शेक बनाती हूँ, दिन में कई दफ़ा 2 दफ़ा भी बनाती हूँ, 3 दफ़ा बनाती हूँ, मतलब आयशा को भी बहुत पसंद है, उसके लिए भी बनाना पड़ जाता है अलहदा से, लेकिन मैं पी नहीं सकती। और मैंगोज़ भी मैं उस तरह नहीं खाती भाई, मैंगोज़ मैं इतने ज़्यादा खाती होती थी ना, मुझे मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग जरूर खाएं, आते भी इतने कम टाइम के लिए। जो ठीक अच्छे वाला मैंगो आता है ना, आई थिंक 1 से 1.5 महीने के लिए आता है, या बहुत ज्यादा टाइम ले तो 2 महीने तक रहता है, बाकी तो भाई स्टोर का होता है। पहले कच्चा होता है, फिर बाद में स्टोर का होता है, मतलब उसके छिलके में एक अलग सा टेस्ट आता है। तो बस ये मिड समर में एक अच्छा आम आ जाता है, मतलब इतनी तरह के आम है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा रिस्क में अदा किया है, तो भाई अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करें। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, मतलब इतनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है कि हम सारी जिंदगी भी हर पल भी शुक्र अदा करें तो कम है। अच्छा भाई, ये मिल्कशेक पीने के बाद मैंने एग्स ब्रेड बना लिए थे, मतलब ब्रेड को टोस्ट कर लिया था, एग्स फ्राई बना लिए थे, ये देखें हाफ फ्राइड एग्स बना लिए थे। बड़ी मुश्किल होता है भाई इसे गर्मियों में मैनेज करना, एग को बनाना ना, तो आजकल मेरा फ्रिज का भी थोड़ा मसला बने हुआ है। बिल्कुल छोटे वाला रूम वाला फ्रिज होता है ना वो मैं चला रही हूँ आजकल, क्योंकि जो किचन वाला फ्रिज था भाई वो तो फड़क गया जी, आप वो सड़े करो टूर गया। और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन तक हम लोग नया फ्रिज भी ले लेते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उतनी देर तक मुझे ये जो छोटे वाला फ्रिज है इसमें मैनेज करना पड़ रहा है। और छोटे फ्रिज का इसलिए भाई बताया आप, अंडे मैं गर्मियों में फ्रिज में रखती होती हूँ, लेकिन अंडे आजकल बाहर ही बास्केट में पड़े रहते हैं जिसकी वजह से इन्हें फ्राई करना ज्यादा मुश्किल है। मेन थानू यह गल दसना चाह रही सो, तबियत ही मैं इन्हों टोस्ट कर लैनी हाँ स्लाइस ब्रेड दे स्लाइस नाल, अज मैं सॉसेजेस भी बनाए सन, वो बनांदे आ नहीं वीडियो बनाई, मतलब खांदिया भी नहीं बनाई क्योंकि भाई लाइट और गई सी, लाइट आ पता नहीं क्यों इतना तंग करना शुरू हो गई है। अच्छा जी, हमारे ब्रेकफास्ट में सॉसेजेस थे बटर और स्लाइस और फ्राइड एग्स से,
तो यहाँ हमने ये नाश्ता कर लिया था और चिकन्स भी आने वाले थे वो भी मैंने मंगवा लिए। ननू भी वॉश करना एक बड़ा काम है ते इनू भी आजकल फ्रीज करना ज़रा मुश्किल हो गया है, इसलिए दो तीन चिकन बस मंगवाती हूँ और वॉश करके तीन चार पैकेट्स बना लेती हूँ। और मटन तो हम तभी मंगवाते हैं मोस्टली जब हमने बनाना होता है। और छोटे फ्रिज का भी मसला था, पहले मैं डिस्कस करती होती थी, फिर एक दो लोगों ने ना क्रिटिसाइज किया कि फ्रिज को मैं बहुत डिस्कस करती हूँ। चलो भाई कोई गल नहीं, नेगेटिविटी भी तो ना ला लिए, इंशाल्लाह एक दो दिन तक तो मैं फ्रिज बहानी आजकल में आ जाएगा। ये फ्रिज है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये मेरा रूम फ्रिज है, तो आजकल इसे मैंने टीवी लाउंज में रखा हुआ है और ये यूज कर रहे हैं, इसी में सारा कुछ पूरा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, फ्रिज तो है ना भाई। तो आयशा बहुत शौक से भैया जी अकेडमी जा रही थी बच्चों के साथ, इजू और मोहम्मद कासिम के साथ, अबाजी के काम वेखो सर्फ वाला डब्बा भी उठी रख जाते ने अपना काम करके, मतलब मेरी हेल्पर, ते वेपर भी टीवी लाउंज ही रख देते ने, वो भी मैं आप ही चुकना आंदा उतो। तो इस्त्री की बात जो मैं आप लोगों को बता रही थी कुछ दिनों पहले, जो इस्त्री की बात हमने शुरू की थी, उसमें आपने मेरी इस्त्री देखी थी ना, पुरानी सी थी, उसकी एक आंख भी निकली हुई थी और वो बिल्कुल भी तेज नहीं थी। मुझे इतना टाइम लगता था ना उसे इस्त्री करने में, मतलब उससे कपड़ों को आयरन करने में, ते बस ए मैं तुम्हें दसना सी कि ए ना सोचा जे कि वही इस्त्री है मेरे कुल वही है, एक नवी वाली इस्त्री भी है माशाल्लाह। तो ये मैंने आपको बताना था, अज मैं फिर नवी इस्त्री इस्त्री कर दिया तो अनु वीडियो बना के वहाँ ही दिता। यूज़ मैं वो पुरानी वाली भी कर रही हूँ क्योंकि वो भी कुछ साल पहले ही मैंने यूज़ करना शुरू की है, तो वैसे भी वही इस्त्री का रेट, फिर जैसी वेखन गए ना कल परसों, तो इस्त्री का रेट मैंने पता किया, ये वाली इस्त्री मार्केट में 18,000 की है। तो भाई मैंने शौक शौक में नहीं तो निकाली, लेकिन मैंने अब ये सोचा मैं पुरानी वाली ना ठीक होने दे देती हूँ, तो थे मैं पुरानी वाली ठीक होने भेजी हुई सी, इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही थी। पुरानी वाली इस्त्री ठीक होकर आ जाएगी तो उसी कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, इसे रख देंगे, कभी चाहिए होती है तब यूज कर लिया करेंगे। और स्टीम आयरन इंशाल्लाह ताला मैं लूंगी, उसका भी रेट मैंने पता किया है, किसी कंपनी की 10,000 की थी, किसी की 12,000 की थी। चले जब लेनी होगी तब देखूंगी वो कौन सी लेनी है। ते इस तरी दी भाई ए स्टोरी सी, ये स्टोरी मैंने उसी दिन आप लोगों को सुना देनी थी, लेकिन उस दिन वीडियोज कम थी, गपशप ज्यादा थी, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह इस तरी की स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और ये दोनों स्त्रियां मेरी जहेज की है चला, मेरे अब्बू लाए हुए जब मैं छोटी सी थी ना, देखें व्यूवर्स पेरेंट्स तब से चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा पता है क्या, जब अम्मी अब्बू आपस में डिस्कस करते थे ना ये चीज हमारा की है, ये मतलब सारी बहनों का नाम लेके ऐसे, तो ऐसा लगता था कि सब चीजें हम सब बहन भाइयों की अलहदा अलहदा है ना, मतलब कभी ये सोचा ही नहीं था कि शादी के लिए पेरेंट्स इस तरह कहते हैं, जब हम छोटे छोटे होते हैं तो ऐसी सोच ही आती है ना, लेकिन अब समझ आती है। तो बस मेरी अम्मी ने फिर हर चीज मोस्टली मुझे दो दो दी थी, इस्त्रियां भी दो दी, ब्लेंडर्स भी दो दिए, फूड फैक्ट्री, मतलब हर मशीन मेरी अम्मी की कोशिश थी कि इसके अब्बू इतने शौक से लाए हैं, तो माशाल्लाह मेरे जहेज में मोस्टली चीजें दो दो थी। अल्लाह ताला मगफरत फरमाए मेरे पेरेंट्स की। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।